अभी जो आप ये प्लेंटी शूट आउट देख रहे हैं, ये गोपालगंज की टीम है और इधर वाली डुमरी की टीम है, और ये द्वितीय चक्र का मैच है, और ये फुटबॉल ग्राउंड कुज्जी का है, कुज्जी लोहरदगा का, और फर्स्ट किक करने के लिए आएंगे डुमरी की टीम, 8 नंबर की खिलाड़ी टीम का नाम सेम, कोच का नाम सेम, जर्सी सेम, लेकिन हमारे अंपायर महोदय एक चीज को तो चेंज कर रहे हैं, और जितना जल्द हो सके वो चेंज होकर मैच को प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सेव था और सेव करने जैसा बॉल भी था। बोल रहा हूँ अभी एक गोल का घोषणा किया है, थोड़ा सा जज्बा होगा तो दो गोल के लिए भी कर सकता है। मैंने 200 रुपये का, सॉरी बोलने में मिस्टेक, 100 रुपये की घोषणा तो आ चुकी है, जितना गोल नहीं सौ, लेकिन थोड़ा सा जज्बा में। अगर गोपालगंज की टीम अगर गोल करती है तो एक गोल से आगे रहेगी इनकी टीम, और ये बहुत ही अच्छी बात होगी टीम के लिए। ये काफी बेहतरीन गोल था। अगर अभी डुमरी की टीम गोल नहीं करती है तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है टीम के लिए। ये काफी बेहतरीन गोल, और सेव करके फिर से बराबरी में लाने का मौका मिला है डुमरी की टीम के लिए। और ये भी दोनों टीम बराबर थे। और टप्पो बर्गर के लिए प्रत्येक बॉल में 500 रुपया रखा गया है, इस बात को ख्याल रखें, प्रत्येक गोल में 500 और रमेश यादव की तरफ से प्रत्येक गोल में 100 दोनों टीमों के लिए रखा गया है। अगर गोपालगंज की टीम अगर अभी गोल नहीं करती है तो एक गोल से पीछे हो जाएगी। और ये फिर से दोनों टीम बराबरी पे, कभी इस पल्ले में पड़ रहा है, कभी इस पल्ले में, बाल-बाल इधर कभी बचता हुआ तो कभी बाल-बाल उधर बचता हुआ, मुकद्दर का खेल देखना बाकी, किसका मुकद्दर में चमकता हुआ तारा उभर गया था। दोनों तो ब्रदर्स है, कौन ब्रदर्स, Thank you.
बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए दोनों टीमों ने अब देखना है क्या गोपालगंज की टीम क्या गोल कर पाती है। अगर गोल नहीं करती है तो हार का सामना करने का जरूरत पड़ सकता है। और ये फिर से दोनों टीम बराबर पे। शायद लास्ट किक है दोनों खिलाड़ियों के लिए। डुमरी खिलाड़ी दो नंबर का और ये काफी सुंदर गोल। अगर गोपालगंज की टीम अगर गोल नहीं करती है तो ये मैच हार जाएगी और यहीं पे इनका सुहाना सफर खत्म हो जाएगा। और ये 7 नंबर के खिलाड़ी धनवीर भगत। और ये अभी बहुत ही इनके ऊपर अभी बड़ी बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी आन पड़ी है। अगर गोल करती है तो टीम को आगे ले जाएगी, नहीं तो यहीं पे इसका सफर खत्म होना है। और यहीं पे